हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई एम योर साइंस टीचर, माय नेम इज़ ममता कापरी। पिछले वीडियो में आप लोग को हम बुक फिल करवाए थे और लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन से करवाए थे। आई होप आप लोग सब कंप्लीट कर लिए होंगे, आप लोग लर्न कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम आपको लेसन टू का डिफिनेशन और क्वेश्चन से लिखवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो निकालिए आप लोग कॉपी और लिखिए और देखिए। फर्स्ट है डिफिनेशन। डिफिनेशन कंपोनेंट्स, लेसन टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड। डिफिनेशन फर्स्ट है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ रिक्वायर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ रिक्वायर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। द डाइट that contain adequate amount of all the essential nutrient, roughage and water for the proper growth and development of the body is called balanced diet. Balanced diet kya hai? The diet that contain adequate amount of all the essential nutrient, roughage and water for the proper growth and development of the body is called balanced diet. Next hai deficiency disease. Diseases that are caused due to the lack of all nutrient in our diet are called deficiency diseases. Diseases that are caused due to the lack of all nutrients in our diet are called deficiency disease. इतना ही डिफिनेशन है। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। पेज नंबर 22 में दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर लेसन टू का। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इनटू विच क्लासेस आर न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड, विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। इनटू विच क्लासेस आर न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड, विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो आंसर है न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है फैट्स, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है विटामिन्स, फाइव है मिनरल्स। इसी में एक और क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो इसी का आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या है? फूड दैट इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। वह भोजन जिसमें विटामिन और मिनरल दोनों पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द प्रोटीन इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? बॉडी के लिए प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज सेल्स ऑफ आवर बॉडी इज मेड फ्रॉम प्रोटीन। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल। प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज सम ऑफ आवर बॉडी इज मेड फ्रॉम प्रोटीन फुल स्टॉप। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू कुकिंग मेथड दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन फूड। मेंशन टू कुकिंग मेथड दैट आर डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन फूड। आंसर इज टू कुकिंग मेथड दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट इन फूड आर, फर्स्ट है ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। सेकेंड है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑफ दीज प्रोवाइड अस क्विक एनर्जी। दो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम बताना है और ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो तुरंत एनर्जी देता है। टू काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, दो काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है सुगर एंड स्टार्च। और इसी में एक क्वेश्चन था विच ऑफ दीज प्रोवाइड अस क्विक एनर्जी। सुगर प्रोवाइड अस क्विक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली। मिनरल्स एक
मिनरल ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में इसका क्वांटिटी कम लेते हैं तो उससे भी हमारा काम चल जाता है. राइट द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स, रिकेट्स का सिम्टम्स बताना है. द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर, सिम्टम्स में क्या, रिकेट्स के सिम्टम्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड हेंस गेट बेंड एंड डिफॉर्म. सेकेंड है बोन लेग्स पिजन टाइप चेस्ट, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड हेंस गेट बेंड एंड डिफॉर्म, बोन लेग्स पिजन टाइप चेस्ट. इसका ये सिम्टम्स है रिकेट्स का. नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मैरास्मस, मैरास्मस का सिम्टम्स क्या है. द सिम्टम्स ऑफ मैरास्मस आर चाइल्ड बिकम सो थिन, चाइल्ड बिकम सो थिन, THIN, चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. सिम्टम्स मैरास्मस का सिम्टम्स क्या है. द सिम्टम्स ऑफ मैरास्मस आर चाइल्ड बिकम सो थिन, so thin that loose fold of skin can be seen all over the body, full stop. Next questions hai 9, the incidence of the goiter among the people living in Himalayan region was quite high, why. So answer hai, the incident of goiter among the people living in the Himalayan region was quite high because the iodine contains soil and water is low in this area. समझ में आ गया. Next आप लोग आ जाइए long question answer पे. Long question answer है. First question है, question है explain the importance of the following vitamin for the body, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin K. Answer है the importance of following vitamin for the body are विटामिन ए फॉर नॉर्मल ग्रोथ कीप द आईज एंड स्किन हेल्दी, विटामिन सी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स, विटामिन डी हेल्प्स टू यूज कैल्शियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, विटामिन के हेल्प इन द क्लटिंग ऑफ ब्लड. ये हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फॉर द बॉडी. कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है. तो आंसर है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स फॉर द बॉडी आर कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, सोडियम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, पोटेशियम फॉर ग्रोथ फॉर कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी, आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट हेल्प्स रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स. थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड यू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे इवन वेन वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी. वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे इवन वेन वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी बिकॉज 70% ऑफ बॉडी इज वाटर एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, कॉमा इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, कॉमा removal of toxin from the body through sweat, excretion and urination. Okay, next question is, what do you mean by a balanced diet? Is it the same for everybody? Why? A balanced diet is one that contains the proper amount of each nutrient. A balanced diet is one that contains the proper amount of each nutrient. No, it is not same for everybody because it develops on age, sex and the type of work that one does. सबको न्यूट्रिएंट एक जैसा जरूरी नहीं होता है, वो जैसा काम करते हैं, जैसा एज होता है उसके अनुसार उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफिशियंसी डिजीज, नेम फोर डिफिशियंसी डिजीज एंड द एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट. The deficiency disease किसे बोलते हैं. Diseases caused by the lack of nutrient in food are known as deficiency disease. Four deficiency disease and associated nutrients are marasmus, scurvy, rickets, goiter. Marasmus से क्या है, protein, carbohydrate and fats. Scurvy से vitamin C, rickets से vitamin D, goiter से iodine.
ठीक है. किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट. द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट आर, फर्स्ट है रफेज एड बल्क टू आवर फूड. सेकेंड है इट पासिस डाउन द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम द माउथ टू द एनस. थर्ड है इट प्रिवेंट कंस्टिपिटेशन एंड इंश्योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट. यहाँ तक है क्वेश्चन आपका. लेसन टू आपका कंप्लीट हो गया. लेसन वन का क्वेश्चन आंसर हो गया. लेसन टू का क्वेश्चन आंसर हो गया. बच्चे आप लोग जरूर से जरूर, बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, बुक है तो बुक फिल करवा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर वन एंड टू करवा दिए हैं. आप लोग को पीरियोडिक में लेसन वन से फोर तक चैप्टर आएगा, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ठीक है, जितना भी आज हम करवाए हैं उसको लर्न कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा. साइंस की कॉपी एक तरफ प्लेन एक तरफ लाइन वाली बनाइएगा. अगर आपके पास नहीं है तो अभी फिलहाल जो कॉपी उसमें आप लोग लिख लीजिए, लेकिन जब स्कूल खुलेगी तो वैसा ही कॉपी साइंस प्रैक्टिकल कॉपी में चलेगी. दैट्स फॉर टुडे. ओके, बाय.